आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो चलो, सामने जो सवाल देख रहे हैं वो क्या है, उसमें दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, माना Z1, Z2, Z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि 3Z1 प्लस 1 का मापांक बराबर 3Z2 प्लस 1 का मापांक बराबर 3Z3 प्लस 1 का मापांक तथा 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0 हो तो Z1, Z2, Z3 सम्मिश्र तल में समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करेंगे। ये तो पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है कि यदि Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करेंगे, यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1, Z2, Z2, Z3 एवं Z3, Z1। ठीक है, चलो ये हमारा सवाल है। यहाँ पे Z1, Z2 कर लीजिए इस सवाल में थोड़ा सा। ठीक, तो अब हमको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन हमारा जो है सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है, क्या देखना है अपन को, इस तरह से हमको इस सवाल को देखना है। तो हम लोग कथन दो की बात करते हैं। देखो ये कथन तो हम लोग हमारे जो है एक महत्वपूर्ण परिणामों से ले सकते हैं कि यदि Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर होगा Z1, Z2 प्लस Z2, Z3 प्लस Z3, Z1। ठीक है, चलो तो ये कथन तो हमेशा क्या है बताओ, सत्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम तो आपको हमेशा ही याद रखना है। अब हम कथन नंबर एक पर आते हैं। तो कथन नंबर एक जो है वो क्या दे रखा है हमारा कि 3Z1 प्लस 1 का मापांक बराबर 3Z2 प्लस 1 का मापांक बराबर 3Z3 प्लस 1 का मापांक। अब देखो मैं इसको दोबारा से इस तरह से लिख लेता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, चलो Z1 माइनस माइनस 1/3 बराबर Z2 माइनस माइनस 1/3 बराबर Z3 माइनस माइनस 1/3। अब देखो चलो ये क्या दिखा रहा है कि Z1 की माइनस 1/3 से दूरी, Z2 की माइनस 1/3 से दूरी और Z3 की माइनस 1/3 से दूरी क्या है, समान। इसका मतलब जो माइनस 1/3 है वो क्या हुआ, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र। माइनस 1/3 क्या हो गया, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो गया। ठीक है, चलो अब हमको दूसरी जो शर्त दे रखी है वो क्या दे रखी है कि 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। तो इस शर्त से हमको क्या मिलेगा, देखो बच्चे लोग यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर -1। ठीक बच्चे लोग, तो यहां से क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 /3 बराबर -1/3। तो ये क्या है बताओ, यहां से हमको क्या परिणाम मिल रहा है कि -1/3 त्रिभुज ABC का क्या होगा, केंद्रक भी होगा। तो बच्चे लोग अगर किसी भी त्रिभुज में केंद्रक और परिकेंद्र दोनों समान हैं तो वो त्रिभुज केवल और केवल कौन सा होगा, अतः त्रिभुज ABC क्या होगा बच्चे लोग, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो बच्चे लोग ये कथन एक है वो भी सही है, पर कथन एक को सही करने में कथन दो का कोई भी योगदान नहीं है। अतः कथन एक भी सत्य होगा, दो भी सत्य है, पर कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है चलो, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।